बिहार के बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बताते चले हम आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनके रिहाई के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है और कहा है कि आनंद मोहन का जो पासपोर्ट है उसे भी जब्त कर लिया जाए। इसके अलावा हर 15 दिन में आनंद मोहन को हाजिरी भी लगानी होगी। दरअसल पूर्व DM डी कृष्णैया के हत्याकांड में आनंद मोहन लगातार जेल में बंद थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने आनंद मोहन की रिहाई करवाई नियम में संशोधन करवा के। इसके बाद जब डी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और पूर्व सांसद बाहुबली नेता आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। बताते चले हम आपको कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है तो इस फैसले में पूर्व सांसद आनंद मोहन पर बड़ी गाज गिरी है। आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ जी कृष्णैया की विधवा उमा देवी कृष्णैया की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। नाराज कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी जमकर फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में आज जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच में आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाली उमा देवी कृष्णैया की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धांत लूथरा मौजूद थे। वहीं आनंद मोहन की ओर से वरीय अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी बहस कर रहे थे। राज्य सरकार की ओर से वकील रंजित कुमार मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद आज एक बड़ा आदेश पारित किया है। कोर्ट ने कहा है कि तत्काल प्रभाव से आनंद मोहन का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने आनंद मोहन को स्थानीय पुलिस के पास हर 15 दिन पर हाजिरी लगाने को कहा है। कोर्ट की बेंच ने इस मामले में केंद्र सरकार के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। दरअसल याचिका दायर करने वाली उमा देवी कृष्णैया ने केंद्र सरकार को भी प्रतिवादी बनाया था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से कोर्ट में कोई जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए इस मामले में 1 सप्ताह में जवाब देने को कहा है। कोर्ट की बेंच ने कहा है कि ये मामला लगातार टल रहा है, कभी राज्य सरकार समय मांगती है तो कभी केंद्र सरकार जवाब मांगती है। मामले को और अधिक टाला नहीं जा सकता, केंद्र सरकार को इस मामले में 1 सप्ताह में जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि वो इस मामले में आखिरी फैसला सुनाएगी। इसके लिए 27 फरवरी को सुनवाई की आखिरी तारीख तय की गई है। कोर्ट ने कहा है कि इतने महत्वपूर्ण मामले को और आगे टाला नहीं जा सकता, लिहाजा अगली तारीख पर फैसला सुना दिया जाएगा। बता दें आपको कि पिछले 23 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी कि उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, उस वक्त आनंद मोहन को रिहा करवाने के लिए नियम में संशोधन किए गए और अच्छे आचरण का हवाला देकर आनंद मोहन को रिहा करवाया गया। लेकिन उमा देवी जो कि डी कृष्णैया की विधवा पत्नी है, उन्होंने पूरे मामले के खिलाफ शिकायत दर्ज की और अब जब वकीलों ने पुख्ता तथ्य पेश किए हैं यानी कि सबूत पेश किए हैं, तो उसके बाद अब आनंद मोहन की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। बता दें आपको कि अब आनंद मोहन हर 15 दिन में हाजिर लगाएंगे। उनकी पासपोर्ट भी जब्त कर ली है और इस पूरे मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी फैसला 27 फरवरी को सुनाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।